मुद्रा में आ जाएं और ध्यान में आंखें बंद करके कमर और गर्दन सीधी रखें और पूरी रिलैक्स मुद्रा से पूर्ण रूप से शांत हो जाइए। चश्मे पहने हो तो चश्मे निकाल लीजिए एंड रिलैक्स योर माइंड बॉडी एंड सोल। पूर्ण रूप से खुद को शांत कर लें। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। ओम शांति। पूरी बॉडी को हल्का छोड़ दें और पूरा ध्यान, आज अलग थोड़ा ध्यान करने के भाव रखते हैं, आज पूरा ध्यान अपनी नाभि पे ले आए। आज नाभि का ध्यान करेंगे हम। नाभि मतलब नेवल, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं नाभि, नेवल या फिर जो पेट का जो सेंट्रल पार्ट होता है, पूरे ध्यान को वहां कॉन्सेंट्रेट करें। पूरे मन को, चित्त को, अध्यवसाय को, जो जो आज हमने सीखा है, सब चीज को अपनी नाभि पे ले जाए। कंप्लीट फोकस एंड ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ओवर देयर। सिर्फ जाने और सिर्फ देखें कि वहां क्या चल रहा है। ऑब्जर्व करें व्हाट इज गोइंग ओवर देयर। कोई स्पंदन महसूस हो रही है, कोई वाइब्रेशन महसूस हो रही है, या समझो खाना खाया हुआ है तो थोड़ा भारीपन लग रहा है, या आज किसी के चौदस है, चतुर्दशी है, किसी ने कुछ तपस्या करी है तो हल्कापन महसूस हो रहा है, जो भी महसूस हो रहा है, जो भी अनुभूति आ रही है, जो भी एक्सपीरियंस लग रहा है, उसमें ना राग करना है ना द्वेष करना है, ना उसको अच्छा मानना है ना उसको बुरा मानना है। जैसा है बस वैसा है, उसको एज इट इज स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। नाभि से नभ तक हमें जाना है। जब नाभि मेरी स्ट्रांग हो जाएगी, नाभि मजबूत हो जाएगी, तो हम ऊपर की ओर बढ़ पाएंगे, हृदय तक पहुंच पाएंगे, सहस्त्रार तक पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहले नाभि के स्तर को स्ट्रांग करना है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, जब हम मां के गर्भ में होते हैं, तो हम नाभि से ही हमारी मां के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए नाभि बहुत इंपॉर्टेंट, ये सोर्स है, ये जननी है हर चीज का, मदर ऑफ ऑल ऑर्गन्स है। देखिए नाभि को एक मुस्कुराहट के साथ, बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ, प्रमोद भावना के साथ, विद फुल हैप्पीनेस, वो सारा मोद, सारा प्रमोद, सारी हैप्पीनेस नाभि पे बिछोड़ दें, नाभि को दे दें। ऐसे एक्सपीरियंस करें, वो सारी हैप्पीनेस नाभि के पास है, सारी हैप्पीनेस उसके पास है, वो
बांटें, उसको स्ट्रॉन्ग करें। जो सुना है वो मेरे जीवन में उतर पाए, उसको मैं इंप्लीमेंटेशन कर पाऊं, तो आज का सुनना सफल होगा। श्रवण कर मैं बना श्रावक, जो श्रम करता वो आराधक, वो आराधन मेरा जीवन, समर्पण श्री आत्मे शरण, समर्पण ओ आत्मे शरण। पूरा फोकस नाभि पे, पूरा ध्यान नेवल कॉर्ड पे, धीरे से एक बार समझ लें, फिर हम सब साथ में करेंगे। अब हम एक गहरी श्वास लेंगे और जब हम श्वास को छोड़ेंगे, गहरी श्वास ली, कुछ सेकेंड्स हम रुके, और फिर जब हम श्वास को छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, तब हम ओम बोलते हुए श्वास को छोड़ेंगे। श्वास को ली तब भी पूरा ध्यान नाभि पे रहेगा, श्वास को जब होल्ड करेंगे तब भी नाभि पे ध्यान रहेगा, और ओम बोलते हुए जब श्वास छोड़ेंगे तब भी पूरा ध्यान नाभि पे ही फोकस रहेगा। तो अभी हम सब साथ में करेंगे, सभी एक गहरी श्वास लें, पूरा ध्यान नाभि पे, पूरा फोकस वहीं, और अब श्वास छोड़ेंगे सब ओम जोर से बोलते हुए, ओम बोलते हुए श्वास को छोड़ेंगे। एक्सहेल, ओम। एक बार और करेंगे सभी जन, गहरी श्वास, पूरा ध्यान नाभि पे, शांत मुद्रा, हैप्पी माइंड, हैप्पी फेस, एंड एक्सहेल, श्वास को छोड़ें। ओ एक बार और, इस बार थोड़े क्षण ज्यादा रुकने की कोशिश करेंगे, गहरी श्वास, कुछ क्षण रुकें, होल्ड करें अपनी ब्रेथ, पूरा ध्यान नाभि पे, एंड एक्सहेल। पूरे मन को शांत कर लें, अब कोई क्रिया नहीं, अब कोई कहीं भी फोकस नहीं, अब अक्रिया, अब कुछ ना करें, बस बंधनों को महसूस करते रहें, जो हो रहा है बस स्वाभाविक नेचुरल रूप में जो आपको शरीर में महसूस हो रहा है बस उसको ऑब्जर्व करते रहें, अपने एंड से कोई क्रिया नहीं। मैत्रिन गुणिषु प्रमोदम
कृपापरत्वम् मध्यस्थ भावम् विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। सभी जीवों के लिए मंगल भावना, संसार के सभी जन स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब शीघ्र ही अपने लक्ष्य के बारे में क्लैरिटी ले पाए, सभी जन जीवन में आगे बढ़े, सब अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकाल पाए, यही भावना पूरे जगत में प्रसारित करें, पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में फैला दें भावना, रोम रोम से ऐसी मंगल भावना, सत्वेषु मैत्रिणः, सभी जीवों के लिए मैत्री की भावना अपने भीतर से फैला दें। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। नमो हरि संतानम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो, शास्त्र के विपरीत, चिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो, तो उसके लिए बारंबार बारंबार क्षमा याचना। और आप सबने अनुपरीक्षा करने का अवसर दिया, आप सबने इतनी गहराई से इस विषय पे सोचने के लिए मजबूर किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और यहाँ सब जन बने हुए हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, सब जन सत्संग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी को भी अगर कोई